शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे नहीं लगता आपने नेहा को राज के बारे में बताकर ठीक किया। मुझे लगता है, एक्चुअली मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आपने अपनी लाइफ में कभी शतरंज का खेल नहीं खेला। और एक पुलिस वाले के लिए शतरंज का खेल खेलना अच्छी तरह आना चाहिए। शतरंज के लिए तो सिर्फ दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन पुलिस वालों का तो दिल भी होता है। कोई ऐसा खेल नहीं मालूम आपको जिसमें दिल का इस्तेमाल हो? प्रीति, एक सलाह देता हूं तुम्हें, एडवाइस, फ्यूचर में कभी भी यूज कर लो। ड्यूटी के लिए जब निकलती हो ना, तब अपना दिल घर में रखने की आदत डाल लो। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो दिल का खेल होता है ना, उसमें अक्सर जीत किसी की नहीं होती। एंड एज यू नो, आई हेट लूजिंग। बाय राज, गुड नाइट। गुड नाइट नेहा। भैया का ही फोन था? हाँ हाँ, भैया का ही फोन था। नहीं, वो फोन टीएसपी हर्षवर्धन का था। वैसे एक बात है, प्यार करने वाले झूठ बोलना नहीं जानते। गुड नाइट। हेलो। फिर से अंधेरा हो गया। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं। ये छोटी जगह है, अंधेरे उजाले का ये खेल यहाँ आम बात है। मुझे अंधेरे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू में डराते हैं, लेकिन जब हम इनके आदी हो जाते हैं ना, तो ये दोस्त बन जाते हैं। नेहा, तुम्हारा ध्यान कहीं और है शायद। नहीं तो? बेकार की बातों के बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरे बारे में, अपने प्यार के बारे में सोचो। नेहा, तुमने कभी चांदनी रात में नैनीताल की पहाड़ियों को देखा है? खिड़की खोलो। खिड़की? हाँ नेहा, खिड़की खोलो। मैं आ गई हूं। कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये पहाड़ियां। अब चांद को देखो। अब इस वक्त मेरे सामने दो चांद हैं, और ये तय करना मुश्किल है कि ज्यादा खूबसूरत कौन है। बटराज, इस वक्त सिर्फ चांद को देखो और कुछ कहो अपने मन में। तुम भी, मैं भी, और अगर हमने दिल से सच्ची बात कही तो लाइट आ जाएगी। लो, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, तुम भी कर लो। क्लोज योर आईज नेहा। I love you, Neha. तुमने भी यही कहा था ना? हाँ। I love you, Raj. I love you. Good night.
मिस नेहा? यस। डीएसपी हर्षवर्धन। हेलो। मैंने आपको फोन करके बुलाया था। जी। चलिए। सर, मिस नेहा, एसपी सूरज विष्णुवी, प्रीति रस्तोगी। हेलो। हाय। प्लीज सिट डाउन। जोशी। यस सर। मिस नेहा, शायद आप नहीं जानती, लेकिन पिछले कई महीनों से नैनीताल में काफी लड़कियों का कत्ल हुआ है, सुंदर लड़कियों का। उनमें से 5 लाशें भी मिली है। मेघना श्रीवास्तव, विनीता शर्मा, सुषमा गुप्ता, गीता पांडे और मिस नैनीताल भावना नेगी। 6 लड़कियां लापता हैं, जिनके बारे में हमें अब तक कोई क्लू नहीं मिला है, और ना ही उनकी डेड बॉडीज। मिस नेहा, जिन लड़कियों की लाशें मिली है, उनका कत्ल एक ही तरीके से हुआ है, और हर लाश के पास ये चीजें मिली है। कहने का मतलब है, हर कत्ल के पीछे एक ही शख्स का हाथ है, और वो शख्स है राज सिंह। वही राज सिंह इस वक्त जिसके तुम बेहद करीब हो। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ नेहा, यकीन करना मुश्किल है, पर ये सच है। जिसने भी राज को देखा है, मिला है, वो ये कभी नहीं मानेगा। वो अपनी पर्सनालिटी का फायदा उठाकर खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करता है, और तुम बहुत खूबसूरत हो, फिर उनके यकीन को हासिल करता है, उनसे प्यार का झूठा नाटक करता है, और फिर एक दिन, और इस बार उसका निशाना तुम हो। जब से तुमने नैनीताल में कदम रखा है, तुम पर नजर है मेरी, हम सब की। देखो, हर बार हादसा होने के बाद ही हमें हादसे के बारे में पता चला है, लेकिन इस बार कुछ होने से पहले ही हम उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाएं। समझ रही हो ना तुम? हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोग इतना ही श्योर हैं, तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वैसे पिछले मर्डर के वक्त हमने उसे गिरफ्तार किया था। What? हाँ, लेकिन उसके वकील ने गवाह को दलीलों में ऐसा उलझाया कि अदालत ने उसे बेकसूर मानकर छोड़ दिया। लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा, हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो सॉरी, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकती। कोर्ट ने उसे बेकसूर माना है, तो मैं उसे गुनेगार कैसे मान सकती हूँ? देखो नेहा, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? कुछ भी कहे जा रहे हैं आप लोग, पुलिस को किसी पर भी शक करने का अधिकार हो सकता है, यकीन करने का नहीं। और मैं मानती हूँ, राज किलर नहीं। राज इज अ किलर। हमारी बात मानो, वरना कल तुम्हारी फोटो बाकी लड़कियों को दिखा रहे होंगे। नेहा, शायद तुम हमारी बात इसलिए नहीं मान रही हो क्योंकि तुम इससे प्यार करने लगी हो। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। ये प्यार नहीं, पागलपन है नेहा, खुदकुशी है। तुम खुली आंख से खाई की तरफ बढ़ रही हो। मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जो भी कर रही हूँ ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेहा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते पुलिस की मदद करना तुम्हारी ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी जानती हूँ सर, मैं आप लोगों की मदद जरूर करती अगर मेरा दिल कहता। लेकिन मेरा दिल कहता है कि राज हत्यारा नहीं है, और दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती। बाय बाय सर, एंड प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। आई लव हिम, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने ठीक किया ना राज? हाँ, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, अपने दिल की आवाज सुनता, यही कहता। राज, तुम और मैं अलग कहाँ हैं? दिल भी एक है, धड़कन भी एक है, और आवाज भी एक है। आज की रात मेरे लिए एक बहुत खास रात है। आज तुम्हारा पूरा प्यार, पूरा यकीन हासिल कर लिया मैंने, और अब मैं तुम्हें अपना वो हुनर दिखाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। अच्छा? हाँ नेहा, एक ऐसी तस्वीर जिसे दिल ने देखा है, हाथों ने बनाया। अभी आया।
अरे राज जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा। बस अभी आया। राज लाइट चली गई। रोज की बात है, आ जाएगी। राज, राज जल्दी आओ, लैंटर्न भी बुझ गई। राज कहाँ हो? कमिंग बाबा। बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ ना। माचिस कहाँ है? देखो वहाँ कहीं शेल्फर होगी। नहीं है यहाँ राज। नेहा वहीं होगी, देखो ठीक से। He's the killer! He's the killer!